न्यूजीलैंड दीआं सड़कां ते किसानां ने कट्टिया ट्रैक्टर मार्च। किसानां ने इस अनोखे प्रदर्शन दे नाल सब नूं कीता हैरान। न्यूजीलैंड सरकार दीआं वातावरण नीतियां दे खिलाफ किसानां दा रोस। सड़कां दे उपर ट्रैक्टरां दीआं कतारां ते किसानां द्वारा कीते जा रहे रोस प्रदर्शन दीआं इह तस्वीरां न्यूजीलैंड दीआं ने, जिथे न्यूजीलैंड दे ऑकलैंड शहर दे विच किसानां द्वारा न्यूजीलैंड सरकार दीआं वातावरण ते जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियां दे विरोध दे विच इह प्रदर्शन कीता जा रहा है। किसानों का कहना है कि इन्होंने नवे नियमों के नाल उन्होंने कारोबार नुकसान पहुँच रहा है, जिसके चलते न्यूजीलैंड के किसानों के व्यापारियों द्वारा यह ट्रैक्टर रोस मार्च किया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया से वायरल हो रही हैं। सब लोग हैरान हो रहे हैं कि किस तरह न्यूजीलैंड दीआं सड़कों के उपर किसानों द्वारा अपने ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं। देशव्यापी पद्धर से किए जा रहे इस प्रदर्शन को हाउल ऑफ प्रोटेस्ट कहा गया है। इस प्रदर्शन के तहत न्यूजीलैंड के प्रमुख शहरों के किसानों द्वारा अज भाव कि शुक्रवार को ट्रैक्टर पिकअप ट्रकों और स्थानक तौर पर वरते जाने वाले होर खेतीबाड़ी के वाहनों सड़कों के उपर लियाया गया, इस कई शहरों के ट्रैफिक जाम भी लग्या। इस प्रदर्शन बारे होर जानकारी साझी करने तो पहला तुहानू ये तस्वीर दिखा देंदे हां। दस दिए कि किसानों द्वारा इस रोस प्रदर्शन के दौरान सरकार को मांग रखी गई है कि जल मार्गों से बनाए गए नियमों के बदलाव किए जाएं और इस अलावा कोविड-19 करके जो देश के बॉर्डर बंद ने उस रियायत दी जाए ता जो उन्होंने होर खेतीबाड़ी के कित्यां नूं लाभ मिल सके। इस प्रदर्शन के किसानों के नाल नाल व्यापारी वर्ग भी शामिल से। विरोध प्रदर्शन खास तौर पर ग्राउंड्स वैल NZ संस्था द्वारा किया गया, जिस संस्था के न्यूजीलैंड के किसान उत्पादक ते ठेकेदार समेत व्यापारी वर्ग भी शामिल है। किसानों समेत इन्हां लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लियांदियां जा रही वातावरण नीतियां ते प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारां दे विच कीती जा रही दखलअंदाजी तो दुखी हो चुके हैं, जिसके चलते ही रोस प्रदर्शन न्यूजीलैंड दी सड़कां ते इस तरह किसानों द्वारा वातावरण नीतियां के खिलाफ किया गया।